भारतीय जनता पार्टी को खुद देखा अपने कैंडिडेट को रवाते हुए और बताओ विधानसभा में। सुनो ये कोई जरूरी विषय नहीं है, इलेक्शन कभी आप लड़वाओ तो बताओ मुझे आप कौन सी दुकान की बात। जो सनातन के खिलाफ बोलने वाले हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलने हैं, जो अभी तक इनकी दुकानें जो इनसे चल रही थी अब इनकी दुकानें बंद होने जा रही है। हम हिंदू नहीं है ये बताओ आप, क्या इनके बोलने से आदमी को सर्टिफिकेट मिलेगा? और जो बात करते हैं दूसरों पर आरोप लगाना इनका काम हो चुका है। जो मीडिया में आकर जो हम जैसे बोलते हैं तो उनको कहते हैं पैसे लेके बोलते हैं, ये फ्री में बोल रहे हैं क्या? हम अपने बच्चे पढ़ा लिखा कर टैलेंट कर दिए, नौकरी दिलवा दीजिएगा, नौकरी दिलवा। अगर लड़का टैलेंटेड होगा तो कोई जरूरी नहीं कि नौकरी करके ही कमाए खाए। क्या नाम है सर? मिस्टर मनीष कनौजिया, गार्ड के अम्बेडकर मिशन, राष्ट्रीय महासचिव। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं हिंदी भाषी को हमेशा से टारगेट करता रहा है और इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि वो डीएमके पार्टी महागठबंधन का सदस्य है, महागठबंधन इस पर चुप्पी साधे हुआ है, क्या कहेंगे? सुनिए, अगर साउथ के लोग अगर नॉर्थ बेल्ट वाले को कुछ सनातन को लेके कुछ बात टिप्पणी करते हैं तो जो भी हमारे देश के अंदर जो देश चला रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग उनको वहाँ जाके कैंपेन करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर आपको लगता है इस तरह की कोई बात हो रही है, आपने कहा कि पूरा भारत हमारा है, फिर जब सरकार चला रहा है तो कैंपेन करने क्यों? सुन दो, मैं आपके बात उत्तर दे रहा हूँ। आपने अभी खुद बोला कि वहाँ के लोग सनातन धर्म पे बोलते हैं। अच्छा, मैं ऐसी कई चीज दिखा दूंगा, मैंने तो नहीं बोला कभी आज तक। अब जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं एजेंसियां उनके हाथ में हैं। जब कार्रवाई करते हैं अभी देखो बात पूरी करनी है, ऐसे भाई उनके समर्थन में उतर आए। देखिए जो बात करते हैं, जो हिंदुत्व की, ये भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, और जब हिंदू पर उंगली उठती है जब आप पूरी आ लीजिए, पूरी बात को करिए आप। भाई साहब ये बताओ गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। चलिए आज वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि लोग नहीं जानते गृह मंत्रालय में कौन मंत्री है, ये विडंबना हो चुकी है। सुनिए जो नहीं जानते वो उनकी कमियां है, उनकी ना समझ। देखिए गलत बता बात कर रहे हैं अब, बात जब झूठ की परंदा इनके रगों में बस चुकी है, और जब बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी जन जन का जिस पे विश्वास है उसका खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता का अपमान ऐसे लोग कर रहे हैं जो बात करती है ना, तो भैया हम आपकी बात काट रहे ना, हम आपके अंदर ना आपकी दुकान बंद करवा रहे। आप बोलिए, आप बोलिए तथ्य के साथ, जनता का विश्वास है। आपने कहा दुकान को बंद कर दीजिए, दुकान नहीं चलने वाली, कौन सी दुकान की बात? जो सनातन के खिलाफ बोलने वाले हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलने हैं, जो अभी तक इनकी दुकानें जो इनसे चल रही थी अब इनकी दुकानें बंद होने जा रही है। आखिर कौन बंद करे? जनता सब देख रही है, जनता इनके खिलाफ हो चुकी है, आज पूरा सनातनी पूरा हिंदू सब एक होता जा रहा है। आप एक बताइए, क्या ये भाई भाई साहब हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं है ये बताओ आप, क्या इनके बोलने से आदमी को सर्टिफिकेट मिलेगा? एक्चुअली में इनको आप सोए हुए हिंदू लोग बता दिए, आप सोए का डेली की ड्यूटियां आरसीबी में आते हैं और इनकी बात हैं। अब जो बात करते हम नहीं आते, और जो बात करते दूसरों पर आरोप लगाना इनका काम हो चुका है। जो मीडिया में आकर जो हम जैसे बोलते हैं तो उनको कहते हैं पैसे लेके बोलते हैं, ये फ्री में बोल रहे हैं क्या? ये बताइए आप ऐसे है, ये डेली आते हैं और इनकी जनता, मैं इनकी आपको सीपी से बताता हूँ, पूरे देश के लोगों को इनकी बात कोई व्यक्ति ना माने, व्यक्ति बात उसकी माने, सुन लीजिए मेरी भी ना, सुन लो पब्लिक में डिबेट, पब्लिक का आदमी वो होता है जैसे ये भाई हैं, कभी हैं, इनकी बात आप रह लो। यहाँ कुछ चेहरे हैं जिनका रोज डेली काम है देश को, सुन लो यार, आप एक आदमी बताइए, रोज आते हैं बात करते, आप एक आदमी बता दो, यही देखो यही सभ्यता है, यही सभ्यता है, देखो ये संस्कारी लोग हैं, आप एक आदमी बता दो जिससे हम देखो कहते हैं ये खुद दाढ़ी वाले भैया हैं, और जब लेके आते कोरवा लेके आते हैं पीछे पीछे चार पीछे खड़े हो जाते हैं, जब बोलते हैं तो ये कहते दुकान बंद कर दो, ये इनका काम है। आप यहाँ पे रोक लोगे जब देश के बॉर्डर के पास जाओगे, वहाँ के बच्चे बच्चे बोल रहे मोदी मोदी, उनको भी रोकोगे क्या? आप बॉर्डर पे कैसे रोकोगे? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को डिलीट इसलिए क्या? क्योंकि उनकी मानसिकता ही ठीक नहीं थी भाई। आप सुनिए, और भाजपा को 19 साल बाद भी रिपीट सुनो, मैं बोल रहा हूँ मोदी मोदी हो रहा है, मोदी जी के घर के पास में एम्स अस्पताल है, चले जाओ वहाँ, याद कर देखते हैं हम कौन मोदी मोदी कर रहा है।
क्यों नहीं जाते वहाँ पे, यहाँ पे क्यों आते रोज? एम्स छोड़ो, लेडी हार्डिंग चले जाओ, एम्स छोड़ो, केंद्र सरकार के रोज आते हो क्योंकि यहाँ को लेडी हार्डिंग में चले जाओ। नहीं सुनिए, नहीं मोदी जी के लिए कुछ मत बोलिए, उनको तकलीफ होती है। खेलेगा तो कमाली, खेलेगा तो कमाली, आवाज है जनता जनार्दन है और जनता ने कौन आएगा पीएम, कौन बनेगा 24 में? जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। आपके हिसाब से है कोई नेता? हमारे हिसाब से नेता है, क्या बोले? नरेंद्र मोदी। क्यों? विकास किया है, विकास क्या विकास है? राम मंदिर बनाया, सबसे हिंदुओं के प्रतीक, कुछ लोग हिंदुओं के प्रतीक। हम अपने बच्चे पढ़ा लिखा कर टैलेंट कर दिए, नौकरी दिलवा दीजिएगा, नौकरी दिलवा। अगर लड़का टैलेंटेड होगा तो कोई जरूरी नहीं कि नौकरी करके ही कमाए खाए, उसके लिए बहुत से बात कॉमन लेकर घास काटे। अगर वो पढ़ा लिखा समझदार होगा तो घास काटने नहीं जाएगा, उसके लिए बहुत से ऑप्शन। ये बात मत बताइए, इसकी वैकेंसियां निकली है उत्तर प्रदेश में 62,000। अगर एक एक करके व्यक्ति को बात करनी चाहिए। मैंने आपसे दो बात भाई से बोली, मैं बोल रहा हूँ अब ये बात कौन बताएगा कि देश में कार्य अच्छे हुए? नरेंद्र मोदी जी के घर से दूर 2.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे एम्स अस्पताल है, चले जाओ। देश किस हालत में खड़ा है, देश का हेल्थ सेक्टर कहाँ खड़ा है, आपको वहाँ के पेशेंट बताएंगे क्या मोदी मोदी कर रहे हैं, केजरीवाल कर रहे हैं? अगर आप मोदी, हमारी जवाब सुन लो ना, भूल जाओगे आप। बताओ, जैसे आपने कहा कि मोदी जी के घर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे गुजरात मॉडल को लेकर 2014 में लगातार दो बार सत्ता में रही है बीजेपी, स्पष्ट तरीके से स्पष्ट है, जनता समझदार है और समझती है। आपने इलेक्शन लड़वाया, भारतीय संविधान के तहत अधिकार हमें भी है, मौका मिलेगा तो देख लेंगे। अधिकार सुन लो, मैंने खुद अपने भारतीय जनता पार्टी को खुद देखा, अपने कैंडिडेट को रवाते हुए और बताओ विधानसभा में। सुनो, ये कोई जरूरी विषय नहीं है, इलेक्शन कभी आप लड़वाओ तो बताओ मुझे, आप नहीं लड़वाए ना, आपने पत्रकारिता करी है तो पत्रकारिता का भी नॉलेज होगी आपको। आज जनमानस जो परेशान है गरीबी को लेके, रोजगार बेरोजगार है रोजगार को लेके, आज बढ़ती महंगाई है, दूध है, चावल है, तेल है, घी है, आम जनमानस से बात करो। अब आप महंगाई से परेशान हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अरे भैया हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हिंदू सर्वोपरि था रहेगा। महंगाई बिल्कुल नहीं है। कितना कमाते हैं हम? 600 रुपए। क्या काम करते हैं? मजदूरी। बताओ, मजदूरी करके 600 कमा रहे हैं आप, फिर महंगाई बेरोजगारी। एक मिनट, यहाँ पे कितने लोग बेचारे दुकान लगवाते हैं पता होगा आपको, अब देख रहे कितने टाइम से परेशान। एक मिनट सुनिए, यहाँ पर दुकान लगाने का परमिशन नहीं है, परेशान क्यों ना रहेंगे? अगर गलत जगह लगाएंगे तो परेशान रहेंगे। यहाँ स्पेशल नहीं है कोई, ये कनॉट प्लेस, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एनक्रोचमेंट अलाउड नहीं है करना, कोई भी जमीन अगर घेरता तो। सुन लो, अरे यार अब इनको पता है, ये बोलता रहा हूँ, इनको यही नहीं पता दिल्ली में सरकार किसकी है, एनडीएमसी किसके हवाले, पूछना जरूरी है। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, ऐसा है, अब आप सतीश भाई साहब यहाँ के वाइस चेयरमैन के पास जाओ, वो बताएंगे आपको। एमसीडी दिल्ली के एमसीडी किसके हवाले, देखिए इनको यही नहीं पता कि वाइस चेयरमैन कौन है, किसके अंडर में है, क्या रेवेन्यू कैसे आता है, बहुत कुछ चीजें हैं, सबको नहीं पता। हमें व्यवस्थाएं चाहिए, व्यवस्थाएं करेगा, व्यवस्थाएं। मैं बोल रहा हूँ एक आदमी जिसके अंडर में विभाग है, पहले तो इनको विभाग ही नहीं पता कौन सा किसके अंडर में है, इनको बोलना केजरीवाल के अंडर में, मोदी के अंडर में, क्योंकि यहाँ पे डेली का काम है, कुछ गिनती के लोग रोज आते हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं चैनल की, और वो पेटीएम और लाइक सब्सक्राइबर आ जाते हैं, उससे अपना जीवन अपना अंपन कर रहे हैं, बस जो मुझे लगता है।